गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में प्लेस कोयंबटूर। निकला हूँ बस स्टॉप की तरफ क्योंकि कल मुझे ईशा जाना है, तो जाकर के पता कर लूँ कि ईशा के लिए बस कितने बजे है और क्या शेड्यूल है उसका, ताकि मैं जब कल मॉर्निंग में निकलूँ तो मैं इजीली बस ले सकूँ ताकि मैं लेट ना हो। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, ये है गांधीपुरम, जो कोयंबटूर का मेन बस स्टॉप जो है ना, उसी का एरिया है ये कोयंबटूर। आपको ऐसे दिख रहा होगा आज सड़क खाली खाली, उसका कारण ये है कि आज पोंगल है, तो लोग पोंगल पे यहाँ पे ना 4-5 दिन की छुट्टियाँ मनाते हैं, तो उसके एक दिन पहले ही वो सारा कुछ बंद कर देते हैं। जैसा कि मैं कल पहुंचा था यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पे कैब लेने में और सारी चीज़ें करने में। ये है मेन चौराहा गांधीपुरम का, वो सामने दिख रहा होगा आपको, वो बस अंदर की ओर जा रही है, तो वो है बस स्टॉप। गांधीपुरम बस स्टॉप, पहले सबसे पहले देखते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए इंक्वायरी काउंटर जहाँ से पता कर सकें। एक्सक्यूज मी सर, बस टू ईशा? अनदर बस स्टॉप, अनदर बस स्टॉप, ओके थैंक यू। यहाँ पे तो ईशा 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 चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता था कि डिफिकल्ट होगा यहाँ से बस लेना, लेकिन मिल जाएगी बस ही। ये सारी बसेस जो जाने वाली हैं ईशा की ही है। मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी दिक्कत होगी यहाँ से बस लेने में, लेकिन एवरी 20 मिनट पे यहाँ से बस निकलती है ईशा के लिए। लोग चिल्ला रहे हैं ईशा 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 ईशा, मैंने सोचा कि चलो भाई ईजिली मिल जाएगा, देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी ही निकल लूँ ताकि रात को मैं सोच रहा हूँ वहीं रहूँ, देखता हूँ। गांधीपुरम में वैसे कई बस स्टॉप है, एक तो वहाँ जो मैंने आपको दिखाया और दूसरा बस स्टॉप ये है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से बसें निकल रही हैं, तो ये भी बस स्टॉप है। या दिस इज द मेन बस स्टॉप, टाउन बस स्टैंड। व्हाट 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 इज इट, आई एम रिकॉर्डिंग अबाउट द बस स्टॉप, लाइक दिस इज द मेन बस स्टॉप टाउन बस स्टैंड। सो व्हाट इज योर नेम? फाजिल। टीवी? नो, दिस इज एक्चुअली फॉर यूट्यूब। यू आर? I am a blogger. I am a blogger. I am a travel blogger. Yes. So I am showing, this is the main bus stop of the Coimbatore, where you can get the bus to Isha and all, everywhere you can get the bus. Yes. So this is the main bus stop of Coimbatore. इसे town bus stand भी कहते हैं, जहाँ से आपको Isha के लिए bus मिल जाएगी। सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अब तक का कोयंबटूर में। पहला ये कि जब भी आप ओला उबर बुक करोगे ना, तो वो आपको कॉल करेंगे और एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे कि हाँ भाई आप 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो भी है आप एक्स्ट्रा दोगे तो चलूँगा, अन्यथा नहीं चलूँगा, और वो राइड कैंसिल कर देते हैं। कम से कम 10 राइड मैंने ओला और उबर से बुक किए होंगे, बट सब के सब कैंसिल कर दिया भाई। सब यही कॉल करके पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है आपको, कहाँ से पिकअप करना है आपको, कहाँ से ड्रॉप करना है, और उसके बाद हाँ भाई ठीक है चलूँगा, बट कितना चार्ज करूँगा आपसे एक्स्ट्रा,
मैंने बोला भाई इतना एक्स्ट्रा क्यों चार्ज करोगे, किस बात का चार्ज करोगे एक्स्ट्रा, जो ओला और उबर दिखा रहा है आप वही लोग हैं ना, उससे एक्स्ट्रा क्यों? तो नहीं, हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे। पहला इम्प्रेशन जो मेरा कोयम्बतूर का है वो अच्छा है, बिकॉज की सिटी जो है साफ़ है, वेल मेंटेन्ड है। और दूसरी ये बात कि यहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे इवन इंग्लिश में, वो तमिल में ही रिप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो, इसका मतलब कि वो अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, हिंदी या इंग्लिश को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये वॉकिंग वीडियो आपको पूरा खाली खाली दिखा होगा है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज जो है वो पोंगल है, इसलिए लोग मोस्टली छुट्टी पे हैं, दुकानें बंद हैं, गाड़ियां कम चल रही है, और कुछ नहीं है। नहीं तो ये कोयम्बतूर का सेंटर है ये। आपको लगता है कि यहाँ पे खाली खाली माहौल होगा? नहीं ना। तो आपको बता दूँ कि आज पोंगल है तो इसलिए लोग छुट्टी पे हैं। जब भी आप कोयम्बतूर आओ ना ईशा फाउंडेशन जाने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गांधीपुरम में रुकना, बिकॉज़ कि गांधीपुरम एक बेस्ट एरिया है जहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन आपको 2 किलोमीटर पे है, बस स्टैंड जो है वो गांधीपुरम में ही है, जहाँ से हर 20 मिनट पे ईशा फाउंडेशन के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी, और वो चिल्लाता रहता है ईशा 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 करके। तो ये एक बेस्ट जगह है। और रही बात होटल की, तो होटल की प्री बुकिंग करा के आना भाई, बिकॉज कि गांधीपुरम में आपको 1000 रुपये से नीचे होटल तो मिलना ही नहीं है। ये भूल जाओ कि आपको 500-600 रुपये में होटल मिल जाएगा। हाँ, पहले आपने बुक करा लिया तो वो एक अलग चीज़ है, आपको मिल सकता है, लेकिन एट ए टाइम आ करके अगर होटल ढूंढना चाहोगे तो भाई 1000 रुपये से कम में आपको होटल मिलना ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आओ तो पहले होटल वगैरह बुक करा लेना, तभी आना। और ये गांधीपुरम में ही रुकना, ये बेस्ट प्लेस होगा आपके लिए। तो गाइज, इस वॉकिंग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज।